कल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने आए। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 243 रन के बड़े डिफरेंस से हरा दिया। अफ्रीकी टीम महज 83 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जो वर्ल्ड कप में उनका सबसे छोटा स्कोर है। मैच में सबसे खास रहा विराट कोहली का रिकॉर्ड। दरअसल उन्होंने अपने 35वें जन्मदिन पर अपना 49वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। उन्होंने 121 बॉल पर 101 रन की नॉट आउट पारी खेली। इस पारी के साथ ही उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 49 शतक लगाए थे। वनडे में एक और सेंचुरी लगाते ही विराट इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इस खास पल के बारे में विराट कोहली ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ा मैच था। ये टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल टीम थी। मैं बस यहाँ पर अच्छा करना चाहता था। मेरा जन्मदिन था तो ये खास हो गया। हाँ, लेकिन आज मैं और अच्छा करना चाहता था। जब ओपनर्स ने ऐसी शुरुआत की तो मुझे लगा वाह क्या बात है, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी हुई पिच धीमी भी होती चली गई। बस मुझे अपना काम करना था। मैं खुश हूँ कि मैं अपना काम कर सका। ऐसी पिचों पर अगर आप आउट हो जाते हो तो कहते हो कि आप 295 रन बना सके, थोड़े कम रन रह गए। मैं रिकॉर्ड नहीं बल्कि बस रन बनाना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ कि अब मैं दोबारा से वो कर पा रहा हूँ जो मैं इतने सालों से करता आ रहा था। सचिन तेंदुलकर की बराबरी करना तो बहुत बड़ा सम्मान है। वो मेरे हीरो थे। मैं जानता हूँ कि लोग तुलना करते हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो मेरे हीरो थे और रहेंगे। मुझे वो दिन याद है जब मैं उन्हें टीवी पर देखा करता था। उनसे तारीफ पाना मेरे लिए काफी बड़ी बात है। इस मुकाम पर पहुँच कर भावुक हूँ। दरअसल विराट के इस रिकॉर्ड पर उन्होंने भी उनकी तारीफ की जिनका रिकॉर्ड कोहली ने तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर विराट को सराहते हुए लिखा, अच्छा खेले विराट, इस साल ही 49 से 50 तक जाने में मुझे 365 दिन लगे। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में आप 49 से 50 पर पहुंच जाएंगे और मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बधाई को। क्रिकेट गॉड के अलावा हरभजन सिंह, अफगानिस्तानी स्टार राशिद खान समेत कई लोगों ने कोहली को बधाइयां दी हैं। भारत का विजय रथ बरकरार है। लगातार 8वीं जीत के बाद भारत पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है और आने वाला मैच भारत नीदरलैंड्स के साथ खेलेगा।